What is the law of conservation of energy? Law of conservation of energy state that energy neither be create nor be destroyed. It transform from one form to another form. Total energy of the system remain conserved. Total energy जो रहेगी system की वो रहेगी हमेशा conserved. So statement क्या है law of conservation of energy का? Energy neither be created nor be destroyed. Total it can be transformed from one form to another. क्या होगा? It can be transformed from one form to another. Total energy of the system remain conserved. So this is known as law of conservation of energy. Now as we know that there are various form of energy. Energy के बहुत सारे form हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. ठीक है, सो देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज. एंड जब भी आपका एनर्जी का कोई भी फॉर्म क्रिएट होता है तो प्रैक्टिकली क्या होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है. क्या होता है? एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट. So, वहां पर क्या हो रहा है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या हो रहा है, फुलफिलमेंट हो रहा है. एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपका क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है. इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. जैसे मैंने बोला कुछ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली कैसे डिराइव करना है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ठीक है, तो पहले हम इस लॉ को कैसे डिराइव करना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिस्कस करूंगा. तो यहां मैं मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का एग्जाम्पल आपको डिस्कस कर रहा हूं. मैं तीन एग्जाम्पल आपको डिस्कस करूंगा जहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व हो रही है. मैकेनिकल एनर्जी क्या है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी जो सिस्टम का रहेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो रहेगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. ठीक है, तो ये जो प्रूफ है ये एग्जाम में पूछा भी जाता है. तो इस चैप्टर का ये जो है वो सेकेंड लॉन्ग आंसर है, थर्ड लॉन्ग आंसर एक तरीके से बोले तो. पहला लॉन्ग आंसर है एक्सप्रेशन ऑफ डेराइव एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सेकेंड लॉन्ग आंसर था डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. और थर्ड ये जो रहेगा, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रूव इट बाय गिविंग अ सुटेबल एग्जांपल. तो अब मैं एक एग्जांपल से इसको आपको क्लियर आउट कर रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे प्रूव करना है. सो वी आर टेकिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. आपका ग्राउंड है या अर्थ सर्फेस है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट पोजिशन ए विच इज एट हाइट एच फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. इनिशियली ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए एंड इट इज एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, रेस्ट में. तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो. क्या है? जीरो. सो इट इज एट रेस्ट. सो Its kinetic energy is zero. Kinetic energy क्या होगा? Zero होगा, क्योंकि rest में है, it doesn't perform any motion, तो motion नहीं है, तो kinetic energy zero होगी. Now potential energy क्या होगी? Because the object is placed at height h, so its gravitational potential energy is mgh.
क्योंकि ये h हाइट पर है तो इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, मास इनटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इनटू h। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो 0 प्लस एम जी एच, तो ये हो गया एम जी एच। इज इट क्लियर, समझ में आया यहां तक? याद है, समझ में आया बेटा? Now the object M is fall down under the influence of gravity. It falls freely under the influence of gravity. We are taking a intermediate position. Intermediate हमने position लिया. This position is position B. At this position, it is at height h minus x from the earth surface. ये इंटरमीडिएट पोजीशन हमने ली इस ऑब्जेक्ट की, एज इट गोज एज इट फॉल्स डाउन डाउन डाउन, तो एक हमने इंटरमीडिएट पोजीशन ली बी। इस पोजीशन, ये पोजीशन जो है वो ग्राउंड से h माइनस x डिस्टेंस पर है। ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड एज इट गोज डाउन इट एक्वायर सम वेलोसिटी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी होगी। लेट्स सपोज एट अ पोजीशन बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या ले लिया, फॉर एग्जाम्पल वी वन, क्या ले लिया वी वन, यहाँ पर रेस्ट में था तो जीरो थी, जैसे जैसे वो नीचे आएगा इट एक्वायर द वेलोसिटी। सपोज बोला कि यहाँ पर वेलोसिटी वी वन है, कितनी है वी वन, सो एट पोजिशन बी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट एच माइनस एक्स, ऑब्जेक्ट अर्थ सर्फेस की हाइट पर है, h माइनस एक्स पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इनटू h माइनस एक्स, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से कितना है h माइनस एक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg h माइनस mg x। तो क्या हुआ, प्रीवियस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी mg h, अब पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg h माइनस mg x, सो देयर इज अ डिक्रीज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया, so that decrement in the potential energy is appear as gain in a kinetic energy. potential energy में जितना decrement आया है उतना ही आपका क्या होगा, gain in kinetic energy. decrement कितना आया mgx, तो देखिए अभी मैं kinetic energy निकालूंगा, kinetic energy आपकी कितनी आएगी mgx आएगी, तो देखिए अब kinetic energy होता है half into m into v1 square, क्योंकि इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है v1, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम v1 स्क्वायर। अब देखिए मैं v1 स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gx, क्योंकि ये देखिए ग्राउंड से कितना डिस्टेंस आया, ग्राउंड से सॉरी हाइट से x डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अप्लाई करी वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखिए इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, यदि ये पूरा एच हाइट ट्रेवल करता तो हम टू जी एच लेते, लेकिन इसने हाइट कितना ट्रेवल किया एक्स, तो हमने क्या ले लिया वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। ये इक्वेशन कैसे आई, समझ में आया बेटा? वापस से बता रहा हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी आई हाफ एम वी वन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन समझ में आया, क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है वी वन है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी वन स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब वी वन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, यू की वैल्यू है जीरो, यू की वैल्यू क्या है जीरो, तो v1 स्क्वायर क्या हो गया 2gx, v1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 2gx, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ m 2gx, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई mgx। अभी मैंने बताया था कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है
उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला इसको, क्योंकि पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, mgx। सो लॉस इन अ पोटेंशियल एनर्जी इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं टोटल एनर्जी निकाल रहा हूं पोजीशन बी पर, तो दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx और काइनेटिक एनर्जी है प्लस mgx। तो mgx और mgx आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। टोटल एनर्जी कितना आया, mgh, कितना आया mgh। तो पोजीशन ए पर आपका टोटल एनर्जी कितना था, mgh, और पोजीशन बी पर आपका टोटल एनर्जी कितना है, mgh। सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व। एनर्जी का एक फॉर्म डिक्रीज हुआ तो एनर्जी का दूसरा फॉर्म इंक्रीज हुआ। लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी अपियर इन द फॉर्म ऑफ गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आया समझ में बेटा? हाफ एमवी स्क्वायर के बाद में देखे, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी, इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है, लेकिन इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, तो वी वन स्क्वायर, क्योंकि मेरी यहाँ वेलोसिटी वी वन स्क्वायर है, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। अब इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है तो यू को ले लिया जीरो, तो वी वन स्क्वायर क्या आ गया, V1 स्क्वायर आ गया 2GX। यहां तक समझ में आया बेटा? Yes, sir. अब V1 स्क्वायर की वैल्यू यहां प्लेस करी मैंने एक्सप्रेशन के अंदर, क्योंकि मेरा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है हाफ एम V1 स्क्वायर, तो हाफ एम V1 स्क्वायर की जगह रख दिया 2GX। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, m इंटू GX, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई mgx। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx और काइनेटिक एनर्जी है mgx। तो mgx से mgx, एक पॉजिटिव mgx और एक नेगेटिव mgx है, कैंसिल हो गया, तो टोटल एनर्जी आ गया mgh। कितना आ गया टोटल एनर्जी, mgh। आया समझ में? अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और फॉल डाउन हुआ। नाउ ऑब्जेक्ट विल बी रीचेज ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज द पोजीशन सी। तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट पोजीशन सी पर आएगा, तो ग्राउंड पर आया, उसकी हाइट क्या हो गई, जीरो। हाइट जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटली डिसअपीयर हो गई, मतलब अगेन डिक्रीमेंट इन द पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो डिक्रीमेंट हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन के फॉर्म में आएगा। तो देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी सपोज जैसे ही ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैंने क्या ले ली इस पॉइंट पर, लेट्स सपोज की वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v2 है, और नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी और बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम v2 स्क्वायर। अब v2 स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाली, इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां h की जगह h ही लूंगा, x नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि पूरा h हाइट ट्रेवल किया है यहां से लेकर यहां तक। तो देखिए u की वैल्यू 0 है, तो v2 स्क्वायर हो गया 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम v2 स्क्वायर। तो हाफ एम v2 स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया mgh। काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो 0 प्लस mgh, तो टोटल एनर्जी आ गई mgh।
So again, total energy of system remain conserved. Potential energy zero हो गई, kinetic energy पूरी की पूरी potential energy में convert हो गई, mgh. So ये potential energy mu है कितनी है? क्या कह रहे हैं? Potential energy? Potential energy zero कैसे हुआ? क्योंकि object ground पे आ गया ना? जब ऑब्जेक्ट एच हाइट पर था तो पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच थी, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा तो हाइट की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी ना. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा अपन ने? एम इंटू जी इंटू एच. हाइट ग्राउंड पर आते ही हाइट जीरो हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा कि नहीं? इज इट क्लियर? देखिए जैसे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी थी v2. क्या थी? v2. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? v2. तो जैसे यहां पर मैं पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो हाफ एम v2 स्क्वायर. अब v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 2gh. ये 2gh कैसे आया ये समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इस 2gh को मल्टीप्लाई कर दिया हाफ एम से, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, mgh आ गया. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? mgh. तो टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी हो गया mgh. इज इट क्लियर? So this is what law of conservation of energy. अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फुलफिलमेंट होता है. देखिए हाइड्रो पावर प्लांट, नाम सुना है इसका? हम क्या करते हैं, बड़े बड़े डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू स्टोर द वॉटर. तो डैम के अंदर जो वॉटर स्टोर किया जाता है दैट विल बी स्टोर एट द हाइट्स. ठीक है, जैसे ये आपका डैम है, इस तरीके से ये डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं. ठीक है, या आपका वॉटर रहता है हाइट्स पर वॉटर, तो ये आपका वॉटर, ये ग्राउंड है, तो वॉटर ये जो कलेक्ट है इट विल बी स्टोर एट द हाइट. सो इट कंटेन द पोटेंशियल एनर्जी. कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? mgh. नाउ टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस स्टोर्ड वॉटर, दिस वॉटर विल बी फ्लो डाउन ऑन दिस स्लोप. ये जो स्लोप बना हुआ है इस स्लोप पर ये वॉटर इस तरीके से फ्लो डाउन होगा. एज इट फ्लो डाउन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पहले वॉटर स्टैटिक है तो इट डजंट हैव एनी काइनेटिक एनर्जी, इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी. बट एज इट फ्लो डाउन द वॉटर एक्वायर द वेलोसिटी, एज इट एक्वायर द वेलोसिटी इट कंटेन द काइनेटिक एनर्जी. तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी. जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. फिर यहां पर बॉटम में क्या होता है, एक डिवाइस लगा रखी होती है टरबाइन. ठीक है, वो टरबाइन पर जैसे ही आपका फास्ट मूविंग वाटर फ्लो करता है या जैसे इंपैक्ट करता है वो टरबाइन रन होता है. ठीक है, टरबाइन जैसे ही रन करेगा टरबाइन गोल गोल घूमेगा, जनरेटर होता है एक तरीके से, वो जनरेटर घूमेगा फ्लोइंग वाटर की वजह से, वो जनरेटर की जो कॉइल है वो घूमना शुरू करेगी और जैसे ही वो घूमना शुरू करेगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा. तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? पहले मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, या हम ऐसा बोले कि काइनेटिक एनर्जी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं किसमें कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो बेसिकली व्हाट दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्या हुआ? मैकेनिकल एनर्जी से आपका किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Is it clear? समझ में आया ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
देखिए टर्बाइन एक डिवाइस होती है, जनरेटर होता है, सिंपल टर्बाइन को नहीं, एक्चुअली टर्बाइन वो क्या कर रहा है, इस फास्ट मूविंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी से एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ऐसी, वो घूमना शुरू कर दी अंदर, और जैसे ये कॉइल घूमना शुरू करेगी क्या होगा, डायनामो होता है, एक कॉइल होती है रेक्टेंगुलर कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की रहती है, वो कॉइल घूमना शुरू करेगी। पहले घूम क्यों नहीं रही थी, क्योंकि उसको घुमाने के लिए कोई मैकेनिकल सोर्स नहीं लगा रखा था। अब जैसे ही फास्ट मूविंग वाटर ब्लो करेगा तो उससे वो कॉइल घूमना शुरू करेगी, कॉइल घूमना शुरू करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ही कॉइल घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। शादी ब्याह में जनरेटर लगाते हैं ना, जहां आपका जहां शादी का वेन्यू होता है उसके बाहर बड़ा जनरेटर लगा रहता है, डीजल जनरेटर लगा रहता है, वहां क्या करते हैं, जनरेटर के अंदर एक कॉइल होती है, उस कॉइल को घुमाने के लिए डीजल यूज किया जाता है, डीजल बर्न होगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगा तो आपकी जो फ्लूड लाइट्स लगी हुई है ग्राउंड के अंदर वो ग्लो करेगी, तो जनरेटर का काम ये होता है। तो वहां पर भी क्या हो रहा है, फ्यूल के बर्निंग से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उसे मैकेनिकल एनर्जी मिली और वो डायनेमो को रन करेगी, कॉइल को रन करेगी और उस कॉइल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब एक और एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम। जब पेंडुलम स्विंग करता है ठीक है, जैसे एक पेंडुलम बॉब लिया मैंने, ये मेटल की बॉल है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम बॉल, ये इसको हमने थ्रेड से स्टिक कर दिया स्टिक। अब इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, हमें कहां ले गया, यहां पे, ये पोजीशन आपकी मीन पोजीशन है। अब मैं क्या किया, इस पेंडुलम को उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले गया, कहां ले गया, ये पोजीशन क्या हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन की हाइट कितनी है, h, कितनी हाइट है, h हाइट। तो इस h हाइट की वजह से इस पेंडुलम बॉब में क्या प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम बॉब में क्या है, इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आपका पेंडुलम बॉब जो है वो स्टैटिक है, मतलब हमने इसको क्या किया हुआ, ऐसे पकड़ा हुआ है यहां से ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां क्या है, जीरो। अब जैसे हम क्या करेंगे, इस पेंडुलम बॉब को रिलीज करेंगे, इट अगेन कम्स टू द इट्स मीन पोजीशन। तो जैसे ही मीन पोजीशन पर आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और इट हैज ऑनली काइनेटिक एनर्जी। मीन पोजीशन पर क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसको क्या होगा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जैसे मीन पोजीशन से वापस ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, अगेन इट हैज, ये जैसे पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, सो इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी वापस ग्राउंड से कितनी हाइट हो गई, एच हाइट हो गई, तो इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट सी पर क्या होगी, अगेन जीरो। तो क्या हो रहा है, जब वो मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रहा है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और पॉइंट सी भी क्या है आपकी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसके बीच में जब आपका पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है, सो एट पॉइंट ए इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, एज it come to the mean position its potential energy is completely converted into kinetic energy, as it goes again to the point c its potential energy kinetic energy is again converted into potential energy, so that transformation is continuously take place if we ignore the air resistance, the air resistance count na kare to ye transformation continuously chalta rahega aur pendulum ke oscillations continuously chalte rahenge, lekin air resistance count hota hai, तो एयर रेजिस्टेंस काउंट होने की वजह से
धीरे धीरे एक्सट्रीम पोजिशन की जो पोजिशन है वो थोड़ी 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 कम होती जाती है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता जाता है। तो जितना लॉस होगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या आ जाएगा, फ्यूज होगा और बाकी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। हम यहाँ एयर रेजिस्टेंस काउंट नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा, जैसे मीन पोजीशन पर आएगा वापस काइनेटिक एनर्जी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर गया तो क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी, फिर वापस मीन पोजीशन पर आया तो काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी कंजर्व रह रही है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहे, इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आया समझ में बेटा? तो ये मैंने तीन एग्जांपल्स के थ्रू आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्सप्लेन किया, ठीक है? और इसी बेसिस पे ही आपके डिफरेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस प्लेस होते हैं। कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इसी तरीके से एनर्जी कन्वर्ट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आपका फैन जब घूमता है तो एज यू स्विच ऑन तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, आपका जो फैन है उसके अंदर जो रोटर होगा वो घूमना शुरू करेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, घूमना शुरू करेगा तो आपको एयर देगा, ब्लोइंग एयर फ्लो करेगी, ठंडी हवा देगा। अब क्या होता है, जितना एनर्जी आप सप्लाई करते हो उतना मैकेनिकल एनर्जी नहीं बनता है, कुछ हीट एनर्जी भी बनता है। तो एज यू सप्लाई द इलेक्ट्रिक एनर्जी, फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो कुछ एनर्जी लॉस भी हुआ, जितना इनपुट दिया आउटपुट उसके कंपैरिजन में कम मिलेगा, कुछ एनर्जी का फॉर्म दूसरे फॉर्म में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि वो एनर्जी हमें यूजफुल नहीं है, हमें नहीं मिल रही। बट एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई, लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, लॉस हम इस बेसिस पे बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं मिली, तो इसलिए बोला कि वो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव हो गई, प्रोडक्टिव नहीं है। यदि हमें मिलती हम उसको यूज कर पाते तो प्रोडक्टिव हो जाती। जैसे आपका इलेक्ट्रिक ओवन या टोस्टर होता है या आपका गीजर है, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया तो उसका हीटिंग एलिमेंट गर्म होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो वहां हीट एनर्जी हमारे लिए यूजफुल है। तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन, ठीक है? अब हमारा एक टॉपिक इसके अंदर बाकी है, पावर। सर रिजॉइन नहीं होना है ना? नहीं, रिजॉइन नहीं होना है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय सर।